नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जिसमें अपन 17 तक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व आउट कर चुके थे। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि आगे और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो अब आपके पास में मैंने कल 17 क्वेश्चन में भी बताया था कि अब जितने भी अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे वो सब समीकरणों को हल करने के ऊपर है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। मतलब जो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड गिवन है, इनका यूज करते हुए मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखिए आपके पास में अपन इसके सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। ठीक बात, तो मुझे दोनों तरफ से यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लानी है। तो देखिए यहां पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि 2 tan inverse x बराबर आपके पास में होता है cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, और एक आपने ये देखा था कि जो 2 tan inverse x होता है वो tan inverse 2x अपॉन 1 minus x square होता है। ये रिलेशन आप दोनों देख चुके हैं, लेकिन यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 है, मुझे यहां 1 minus x square चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। और यहां पर भी आपके पास में 1 minus x square है और यहां x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं ये फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए क्या करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो अपने पास में देखिए सिंस इनवर्स ऑफ कॉस क्या है, x square minus 1 plus x square plus 1 plus tan inverse 2x upon x square minus 1 बराबर 2π/3। ठीक बात, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, देखिए। ठीक है, तो क्या होगा, cos इनवर्स माइनस ये हो गया 1 minus x square upon 1 plus x square और प्लस tan इनवर्स ये हो गया माइनस का 2x upon 1 minus x square बराबर 2π/3। अब आप देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, और एक आपने पढ़ी होगी कि tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस का tan इनवर्स x। तो दोनों को यहां अप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये हो गया cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square और ये tan इनवर्स माइनस x माइनस होता है, तो माइनस का tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 2π/3। ठीक बात, तो अब सुनिए, ये यहाँ तक आपके पास में बात खत्म हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाई को उधर लेके जाऊँगा और ये फॉर्मूला बन गया ये 2 tan inverse x, तो पाई माइनस 2 tan inverse x और ये भी 2 tan inverse x, तो 2 tan inverse x बराबर 2π/3। ठीक, तो अब देखिए 4 tan inverse x 4 tan inverse x 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/3। ठीक, तो देखिए 4 tan inverse x बराबर हो जाएगा π/3 और
अपन सही देखें तो टेन इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो 4 नीचे आ गया, तो ये हो गया पाई अपॉन 12। और यदि मुझे एक्स का मान निकालना है तो ये होगा टेन ऑफ पाई अपॉन 12। और यही अपन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है। तो एक बार नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि क्वेश्चन को अपन को हैंडल किस प्रकार करना है। जैसे मैंने इन दोनों क्वेश्चन को हैंडल किया तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूले थे कि भाई 2 tan inverse का फॉर्मूला ये होता है और 2 tan inverse का 10 inverse का ये होता है, और यहाँ अपने प्यास में क्या है, दोनों में माइनस का चेंज आ रहा था, तो मैंने दोनों में से क्या कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया ताकि वो फॉर्मूले का रूप बन जाए। ठीक, तो अपन जानते हैं कि cos inverse माइनस एक्स होता है वो पाई माइनस cos inverse एक्स होता है, और tan inverse माइनस एक्स माइनस tan inverse एक्स होता है। और इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे तो अपन x की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे बिना कोई डाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर कि उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी गई है। वो भी आपके पास में सब समीकरणों को हल करना, अब जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे उनमें सब में समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो अब सुनिए क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 19 को लेकर, जो है tan inverse 1/2x+1 + tan inverse 1/4x+1 = tan inverse 2/x². ठीक बात, तो ये मुझे इसके वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है समीकरण को हल करते हुए। तो सीधा अपन को पता चल रहा है कि इधर tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए बात करते हैं सॉल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरफ अपन करेंगे, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ tan inverse x plus y, तो ये हो गया 1/1 + 2x + 1/1 + 4x / 1 - xy, तो ये हो गया 1/1 + 2x * 1/1 + 4x। ठीक है, बराबर tan inverse 2/x². कैसे हुआ, क्योंकि अपन को पता है कि अपन जानते हैं सिंस tan inverse x plus tan inverse y, ये आपके पास में क्या होता है भाई, tan inverse x plus y upon 1 - xy। ठीक बात, अब देखिए tan inverse x plus y upon 1 - xy हो रहा है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं tan inverse से tan inverse को कैंसिल आउट कर सकता हूँ और इनका एलसीएम लूँगा, तो ये होगा 1 + 4x + 1 + 2x / 1 + 2x / 1 + 4x / ये इस तरह एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1 + 2x / 1 + 4x - 1/1 + 2x / 1 + 4x बराबर 2/x². तो इस टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल आउट। ठीक बात, तो अब क्या हो गया, इसको ऐड किया तो ये हो गया 6x + 2 / इसको अपन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 1 + आपके पास में 4x + 2x + 8x² 4 × 8 = 8x² - का 1 = 2/x². ठीक बात, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, x² का इधर मल्टीप्लाई किया तो
तो 2 × 3x + 1 ठीक है इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 2 × 1 से 1 कैंसिल आउट ठीक है अपने बस गया 8x² + 6x ठीक है ये आपके पास में टर्मिनोलॉजी आ रही है तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो अपने पास में क्या बस रहा है देखिए 3x³ + x² = 8x² + 6x ठीक अब मेरे को क्या करना है इसमें से मुझे 3x³ आ रहा है ये इधर का आया तो ये माइनस का 7x² हो गया और माइनस का 6x = 0 ठीक है यही आ रहा है 9 इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ ठीक है तो यदि मैं x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 3x² ठीक है −7x − 6 = 0 ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे इसका फैक्टराइज करो देखिए x × 3x² − 9x + 2x − 6 = 0 हुआ कि नहीं हुआ भाई 9 में से 2 गए 7 और 7 18 तो 9 × 2 = 18 राइट है तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो x इसमें से कॉमन आ गया 3x तो 3x यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बस गया x − 3 ठीक प्लस 2x कॉमन लेता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x − 3 = 0 ठीक है तो अब देखिए क्या वैल्यू आ गई x × x − 3 और 3x + 2 बराबर आपके पास में 0 आ रहा है अब सुनिए इसको यदि अपन 0 के बराबर करते हैं एक x का मान 0 आएगा एक x का मान 3 आएगा और एक x का मान आएगा आपके पास है −2/3 तो इसके सॉल्यूशन क्या हो गए x = 0, 3 और −2/3 ठीक है ये 3 इसके आपके पास में सॉल्यूशन हो गए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी और क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होंगे तो ये जो x के 3 मान है वो इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर सकते हैं ठीक तो क्वेश्चन को उतारीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर कि और किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जाती है अब लास्ट क्वेश्चन अपन एक और करेंगे फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अब एक क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन tan−x + 7 tan−x + 7 upon x − 1 + tan−x − 1 upon x ठीक है और अपना इधर रिजल्ट आ रहा है π − 7 ठीक है इसका अपन को सॉल्यूशन निकालना है इसका भी हल ज्ञात करना है तो देखिए इसके सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे tan−a + y अभी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा tan−x + 7 upon x − 1 + x − 1 upon x upon 1 − x + 7 upon x − 1 into x − 1 upon x ये बराबर π − tan−7 ठीक बात अब मैं tan इनवर्स को उधर लेके जा सकता हूँ और इधर एलसीएम लिया तो आपके पास में क्या हो जाएगा x × x + 7 + x − 1² अपॉन इस एलसीएम से ये एलसीएम नीचे वाला कैंसिल आउट ये हो जाएगा x × x − 1 −
एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन बराबर टेन इंटू पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन है तो टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो यहां लिखूंगा सिंस टेन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है वो आपके पास होता है माइनस का टेन ऑफ थीटा। ठीक है, उधर अपने को जरूरत पड़ेगी बोर्ड की तो मैं यहीं लिख लेता हूँ, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन ऑफ थीटा। ठीक, तो इसको मैं साफ कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का सेवन एक्स और माइनस का सेवन। हो सकता है कहीं अपने पास में जल्दबाजी मिस्टेक एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन बराबर ये हो गया आपके पास माइनस का टेन थीटा। अब देखिए टेन इंटू थीटा का मान क्या है यहाँ पर, ये तो ये हो गया टेन इनवर्स सेवन। अब टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसे लिख लिया टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस का पाँच एक्स और प्लस का वन। ठीक बात, यहां पर बात करें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस और माइनस प्लस का एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट, सेवन एक्स माइनस सेवन। ठीक, ठीक है, आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट और ये आपके पास में माइनस का सेवन। ठीक है, माइनस का सेवन कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन आपके पास में रह गया बराबर इधर है गया आपके पास में माइनस का सेवन। ठीक, अब ये इस माइनस का कैंसिल आउट, तो अब देखिए मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन बराबर सात सात उनपचास एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट आएगा आपके पास में टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन माइनस उनपचास एक्स प्लस का उनपचास बराबर जीरो। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपके पास में क्या रिजल्ट आता है, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और 5 में आपके पास 49 में से 5 गए माइनस के 44 एक्स और 1 और 5 आपके पास में 50 बराबर 0। ठीक है, जल्दबाजी में किया, हो सकता है कोई इक्वेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई तो अपन चेक कर लेंगे, इसमें से मैं 2 कॉमन है तो बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ इक्वेशन बढ़ेगी x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस के 25 बराबर जीरो। ये आपके पास में समीकरण बना है जो कि आपके पास में है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये श्रीधराचार्य के बिना सॉल्व नहीं होगा, तो श्रीधराचार्य लगाएंगे x बराबर 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 अपॉन 2। ठीक, तो ये हो गया x बराबर 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 484 और 484 में से 25 इंटू 400 हो गए और 2, ये हो गए 384, तो 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 384 अपॉन 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 64 इंटू 4
416 नहीं लिख सकता हूँ, 66 इंटू 6 लिख सकता हूँ क्या? 600 दो 36 और 2 38, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 22 प्लस माइनस 66 इंटू 6 अपॉन 2। अब 66 बाहर आए तो 8 हो गए, तो x बराबर 22 प्लस माइनस 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 2, और 2 से ये कैंसिल आउट, तो x बराबर 11 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आपके पास में दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले क्लास में, जिसमें अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने पीछे बचे हुए हैं उसको लेकर बात करेंगे।